एक होता है बहुत ज्यादा लिबरल मेथड, दूसरा जो टाइट चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस है वो क्या है, बहुत ज्यादा लिबरल है, बहुत ज्यादा उदारवादी है। और उस उदारवादी में क्या होता है, बहुत ज्यादा लाड प्यार किया जाता है बच्चे को, जो है हर बात बात पर उसका क्या किया जाए, लाड प्यार किया जाए, उसकी सारी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा किया जाए, और उसको कैसे रखा जाए, बिल्कुल राजा बेटा की तरह या रानी बेटी बनाकर जो है वो रखा जाता है। राजा बेटा रानी बेटियां बनी हुई होती है, और ये बहुत ज्यादा लाड प्यार जब रखा जाता है तो उससे क्या होता है, वो भी गड़बड़ हो जाती है, उसके कारण व्यक्ति जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा लाड प्यार होगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया जो है वो ऐसी ही है और अपन को जो हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं क्या होगी, पूरी होगी। और पूरी होगी तो फिर वो जब समाज में जाता है तो समाज में जाके एडजस्ट करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समाज के अंदर जो है वो सब राजा ही है। वो कहे कि मैं तो राजा बेटा हूं, अरे तू क्या है, यहाँ सारे राजा बेटा ही है, बेटा तू अकेला राजा बेटा नहीं है, अब तुम आ चुके समाज में, अब यहाँ कोई राजा बेटा नहीं है, और अब यहाँ संघर्ष है, यहाँ तो जो है वो संघर्ष होंगे, और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जब आएगी थ्योरी तब वो फिर जो है सर्वाइव करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये जो लिबरल मेथड है उसमें भी कई बार समस्याएं आ जाती है। जैसे कुछ समय पहले एक केस हुआ था, किसी स्कूल के अंदर कोई बच्चा था और वो बाहर जा रहा था, बाहर खेल रहा था, बच्चा जो है वो क्या कर रहा था, वो ग्राउंड में खेल रहा था, पीटीआई साहब आए और उसको डांट दिया कि क्या है यहाँ क्या खेल रहा है, चल भाग स्कूल में जा, क्लास में जा, यहाँ क्या खड़ा है। तो इस व्यक्ति इस बात से उसका जो आत्मसम्मान है वो क्या हो गया, हिल गया, उसने कहा कि मेरे को ऐसा कह दिया, चल भाग क्लास में जा, मैं राजा बेटा और मेरे को ऐसा कहा। इस सामान्य प्रजा की ये हिम्मत कि राजा को इस तरीके से उद्बोधन कर रहा है, और उस व्यक्ति का जो है वो इतना आत्मसम्मान गिरा कि उसने जो एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, और उसने जो है क्या कर लिया कि अब जीवन जीने से को मतलब है ही नहीं, उसने सुसाइड कर लिया। अब उसके बाद में जो है उसको टीचर को गिरफ्तार कर लिया, बाकी सारी मीडिया वीडिया किसी पीछे आ गई, टीचर की कि भाई टीचर ने जो है ऐसा कैसे कहा, तो इसलिए जो है उसको गिरफ्तार करके ले जाओ। पर वास्तविक गलती जो है क्या टीचर की थी, वास्तविक गलती टीचर की, वास्तविक गलती किसकी है, घरवालों की है। भाई ऐसा क्या, इतना क्या लाड प्यार कि भाई वो उसका आत्मसम्मान इतना क्या कमजोर हुआ कि भाई ये जो है उसने ये कह दिया कि बस जा घर क्लास में चला जा, इससे उसका आत्मसम्मान हिल गया। ऐसा आत्मसम्मान कमजोर है इसका मतलब, या फिर आपने कभी उसको जो है कभी डांटा ही नहीं, कभी कभी डांटना चाहिए था, क्योंकि जब सामान्य जीवन में जाएगा तब उसको कई बार डांट भी सहन करनी पड़ेगी, कई बार असफलताएं भी सहन करनी पड़ेगी, सब चीजें सहन करनी पड़ेगी, और सहन करनी पड़ेगी तो क्षमताएं होनी चाहिए, उस तरीके की जो है आप में क्षमताएं विकसित होनी चाहिए। परंतु आपने ऐसा किया ही नहीं, और किया नहीं तो इस वजह से जो आत्मसम्मान बहुत जल्दी हिल गया। बाकी हमारे आत्मसम्मान देखो, ऐसे कोई पीटीआई जी ऐसे कह दे कि भाई इसे आत्मसम्मान हिल जाए, पीटीआई ढंग से ठोकते तो ही आत्मसम्मान हिलता नहीं, आत्मसम्मान क्या हिले, और ठोक भी दे तो क्या लगी नहीं, मेरे तो लगी नहीं, दोस्तों के पास आ गया तो क्या यार क्या है, दर्द ही नहीं हुआ, कुछ ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लगी नहीं, लगी नहीं यार फिर, हालांकि लगी तो बहुत ज्यादा है, पर आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है व्यक्ति कि अपन को जो है इसको पब्लिकली बताना नहीं है कि अपन ऐसे कुटीज के आए हैं, कह दे वहां गए थे फिर क्या हुआ, और कुछ नहीं हुआ, उन्होंने तो कहा बुलाया और फिर कहा अरे यार बेटा यार ऐसे मत किया कर, तो साथ बाकी पता है वहां मुर्गा बना के ठोका है बुरी तरह से, ऑफिस में प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बुला के ठोका है, और फिर ये डर और था कि अब घरवालों को नहीं बुलाए, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल सर पीटीआई जी तो कम ठोका है, वो जो है वो रेल बना देंगे, ठोक ठोक के बालाजी बना देंगे आपको। तो इसलिए व्यक्ति सोचता है कि स्मार्ट मैटर को कहाँ सुलटा लिया जाए, यहीं पर सुलटा लिया जाना चाहिए। तो इसलिए एक मेथड कैसा है, बहुत ज्यादा पारंपरिक है, और दूसरा मेथड क्या है, बहुत ज्यादा लिबरल, और दोनों ही जो है वो इतने सही नहीं है।